नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। चाय पे चर्चा पे आज हम, एक कहावत है, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम आज एक ऐसे शख्स के सामने चाय पे चर्चा पे बैठे हैं जो युवावस्था में युवाओं के लिए एक आइकॉन के रूप में उभर रहे हैं, एक समाजसेवी, एक खेल प्रशासक और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणीय काम करने वाले एक युवा। मात्र 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। आज हमारे बीच में है मयंक भाटिया। नमस्कार। नमस्कार मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक भाटिया एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर जो मुकाम हासिल किया है, और इतनी कम अवस्था में, मात्र 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो एक आयाम स्थापित किए हैं, वो निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में है। हर युवा चाहेगा कि मैं भी इस तरह से कार्य करूं, मैं भी आगे बढ़ूं। मयंक जी, मुझे पता है कि आपके ऊपर से कम अवस्था में, आप जब आप छोटे थे, जब आपके पिताजी का देहांत हो गया था, तो जो कठिन समय आया, उस कठिन समय से आप किस तरह से उभरे और किस तरह से ये आपने आगे कार्रवाई की? चूंकि सबसे पहले आप होटल से जुड़े हुए थे, तो पर्यटन के क्षेत्र में आपने किस तरह से आगे कार्य किया? मैं जब मात्र 12 साल का था तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। हालांकि ये तो तकदीर की बात है, सब इंसान जो है वो यही चाहते हैं कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो गार्जियन हैं, वो ताउम्र उनके साथ रहे। लेकिन किस्मत की बात है कि मेरे पिताजी का साया बहुत जल्दी उठ गया। फिर भी उसके बाद ऊपर वाले की मेहरबानी से, प्रभु की कृपा से, मेरे परिवार जो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी के जो सब साथ बैठने वाले थे, परिवारजन थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरी भरपूर मदद करी। 9वीं क्लास के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करी, 10th करी, 12th करी, फिर ग्रेजुएशन करी, और उसके बाद फिर मैंने 2003 से मेरा होटल का व्यापार जो है वो संभाला जाके, जो मेरे पिताजी ने बनाया था। शुरू से मेरे पिताजी की इच्छा थी कि भाई होटल पर्यटन व्यवसाय में वो अपना एक नाम रोशन करें, एक ऐसा आयाम स्थापित करें जिससे कहीं ना कहीं एक परिवार का नाम हो, एक उनकी ब्रांड जो प्रिया होटल वो बना के गए थे उसका नाम हो। तो मैंने उससे अपने करियर की, अपने जीवन की शुरुआत करी। आप जिस तरह से आपने बताया, 2003 में आपने होटल व्यवसाय में आके कार्य शुरू किया, उसमें मात्र आपकी 19 और 20 साल उम्र रही होगी, और आपने जिस तरह से कार्य शुरू किया, तो निश्चित रूप से आपको इस क्षेत्र में, चूंकि बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ी होगी, कठिन परिश्रम करना होगा। तो आपने जिस तरह से होटल का विकास किया, उसके बाद में आपके मन में आया कि जो पर्यटक है वो होटल से ज़्यादा सम के धोरे या एकांत क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, तो आपने रिसोर्ट का डेवलप किया और रिसोर्ट भी इस तरह का बनाया जो एक यूनिक की तरह। तो आप इस संबंध में भी हमें बताइए कि पर्यटन को आपने किस तरह बढ़ाया। 2003 में जब मैंने होटल बैठना शुरू किया, तो मैंने यहाँ ग्रेजुएशन करी थी और उसके पहले मैंने CA का कोर्स किया था, लेकिन मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया था। उसके बाद जब मैं पर्यटन व्यवसाय को समझने लगा, तो मुझे समझने में 3 से 4 साल लगे। उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि पर्यटन व्यवसाय जो है वो एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ पर जैसलमेर में लोग जैसलमेर में रुकने की बजाय सम के मखमली धोरों में रुकना ज़्यादा पसंद करें। ये वही दौर है जब जैसलमेर के पर्यटन की दशा और दिशा बदलने का दौर था। तो मैंने महसूस किया कि क्यों ना इस दिशा की तरफ मुझे भी जाना चाहिए, जिस तरफ जो है पर्यटन जिस तरफ जा रहा है। तो मैंने 2010 में एक रिजॉर्ट बनाने के बारे में सोचा, सम के धोरों के बीच में, जहाँ पर लोग जिस तरीके से वहाँ जाके और एक धोरों के बीच में रहने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। चूँकि मैं होटल व्यवसायी था, मैं सारे गेस्ट से खुद संपर्क में रहता था, उनसे पूछता था कि वो क्या चाहते हैं, उनके फीडबैक के आधार पर मैंने ये सोचा कि मुझे जैसलमेर में अपने होटल को रिनोवेट करने के साथ ही मुझे एक नई प्रॉपर्टी भी बनानी चाहिए, जो कि ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग कैंपिंग का पूरा आनंद ले सकें। और जैसलमेर की जो हेरिटेज है, जैसलमेर का जो कल्चर है, जो जैसलमेर की अनोखी एक संस्कृति है, जिसमें हमारा संगीत भी है जो आज देश विदेश में बहुत पॉपुलर भी है, और लोग आजकल इसको, इस मधुर संगीत को सुनना भी चाहते हैं, तो उसके लिए फिर मैंने 2010 में मेरे रिजॉर्ट बनाने का मैंने सपना देखा, और सपने को मैंने साकार किया 2014 में।
जनवरी 2014 में मैंने डेजर्ट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट को मैंने शुरू किया, और उस रिजॉर्ट को इस सोच के साथ शुरू किया कि मुझे जैसलमेर का नाम रोशन करना है, मुझे जैसलमेर के पर्यटन को आगे बढ़ाना है, और वहाँ पर जो वहाँ पर आसपास की जो गांव है, जो ढाणियाँ हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, वहाँ पर कैसे रोज़गार बढ़ाया जाए। मैं एक व्यापारिक परिवार से हूँ। मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, मेरे पिताजी जैसलमेर के बहुत ही बड़े व्यापारी रहे हुए हैं। तो मेरी सोच ये रहती है कि भाई अपने खुद के विकास के साथ अपने आसपास के लोगों का विकास होना चाहिए, अपनी सोसाइटी का विकास होना चाहिए, अपने परिवार का विकास होना चाहिए, अपने समाज का विकास होना चाहिए। तो जहाँ पर हम व्यापार करें, जिस जगह पर हम व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोगों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो मैंने वहाँ आसपास के जो गांव है, ढाणी है, वहाँ के लोगों को मैंने वहाँ पर नौकरी पे रखा, वहाँ पर उनको मैंने ट्रेनिंग दी, वहाँ पर सिखाया। आज जो जिसको मैंने वहाँ पर बर्तन धोने के लिए रखा था, आज वो हमारे वहाँ पर मेन कुक का काम करता है। ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। मेरे लिए पैसा कमाना ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो लोग जो कि काम करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको देख के खुशी मिलती है। ये सबसे बड़ी आत्मसंतुष्टि है। एक इंसान को देख के खुश हो सकता है, पैसे से खुश नहीं हो सकता। तो इसी सोच के साथ मैंने डेजर्ट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट शुरू किया, और मैंने सोचा कि जैसलमेर के पर्यटन को आगे बढ़ाना है, जैसलमेर के लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए इस बारे में सोचना है। वहाँ पर जो लोग कैमल सफारी कराते हैं, वहाँ पर जो लोग कैंपिंग कराते हैं, वहाँ पर जो लोग जीप सफारी कराते हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए मैंने एक अनोखी पहल करी, जिसमें मैंने एक पैरामोटर स्टार्ट किया। वहाँ पर मैं पहली बार पैरामोटर की परमिशन लेके आया, जिसको एयर सफारी के नाम से मैंने शुरू किया था, जो कि वहाँ सम के मखमली धोरों में ऊपर आसमान से मखमली धोरों की सैर कराए। तो कई बार मैंने एक अनूठे कुछ और भी प्रयास किए हैं, जिससे कि जैसलमेर के पर्यटन को आगे बढ़ाया जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि खुद को तो आगे बढ़ाओ, मगर जिस तरह से आपने अपने यहाँ एक बर्तन मानने वाले को एक कुक, हेड कुक आज बना दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ रहने वाले लोगों को भी आगे बढ़ाना। स्वयं तो आदमी आगे बढ़ता ही है, मगर जिस तरह से वो अपने साथ काम करने वालों को आगे बढ़ाता है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ाने के लिए अपना बहुत सहयोग दिया, नए नए प्रयास किए, नए नए क्षेत्र में काम किया, नवाचार करने का प्रयास किया। वर्तमान में आपने पर्यटन के साथ साथ एक 100 बेड का चिकित्सालय भी आप चला रहे हैं, प्रिया हॉस्पिटल के नाम से। तो पर्यटन का और चिकित्सा का मेल नहीं है, आपने किस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में जाने का मानस बनाया, और किस तरह से चिकित्सा क्षेत्र में आपने आज 100 बेड के लगभग का बेड वो अपने हॉस्पिटल, और आपका आगे प्लान है कि आप वहाँ रक्त बैंक भी बनाएं। मैंने 2003 में जब होटल व्यवसाय से मेरी शुरुआत करी, उसके बाद जब मैंने रिजॉर्ट बनाया, तो उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे पर्यटन व्यवसाय के साथ साथ जैसलमेर में जो सबसे बड़ी कमी है, चिकित्सा और शिक्षा। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं, यहाँ पर लोग अपने छुट्टियों का आनंद लेने आते हैं, अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय करने आते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आम जन हैं, वो चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। इस चीज़ को मैंने महसूस भी किया, चूँकि मैं खुद भी जो है, मैंने बचपन में मेरे परिवार को, मेरे पिताजी को खोने के बाद इस कमी को महसूस किया है कि मैंने जिस तरीके से जो चिकित्सा की सुविधा नहीं होने की वजह से जिस परिवार को तकलीफ देनी पड़ती है। तो मेरा ये प्रयास रहे कि जैसलमेर में मैं उन परिवार को, उन लोगों को मदद करूं जो चिकित्सा की कमी की वजह से अपने परिवार के किसी सदस्य को बचा नहीं सके। उसी सोच के साथ मैंने 2016 में ये सोचा कि भाई मुझे यहाँ पर एक अच्छा एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए, क्योंकि व्यापार करने के लिए तो मेरे पास होटल भी है, रिजॉर्ट भी है, चिकित्सा के साथ साथ मैं यहाँ पर समाज के जो लोग हैं, मैं रोज़गार में तो समाज को मदद कर ही रहा हूँ, तो चिकित्सा में भी मुझे यहाँ पर एक अस्पताल बना के एक समाज को मदद करनी चाहिए। हर चीज़ का एक लेवल होता है। हम व्यापार करें, व्यापार का कोई अंत नहीं है, लेकिन उस अंत से पहले कम से कम हम समाज को एक ऐसा अनूठा एक योगदान दे के जाएँ जो कि लोग ये सोचें कि हाँ, इन्होंने समाज के लिए भी कुछ किया। आज जो बड़े बड़े घराने हैं, वो सब व्यापार के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत सारी उपलब्धियाँ, बहुत सारा योगदान देते हैं। उसी सोच के साथ मैंने अस्पताल शुरू किया, 2016 में मैंने बनाना शुरू किया। 2020 में कोविड की वजह से मैं उसको टाइम से चालू नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही कोविड का असर थोड़ा कम हुआ, उसके बाद मैंने उस काम को जल्दी से शुरू किया, और मई 2021 में मैंने हमारा पूर्ण रूप से सुविधा युक्त अस्पताल जो है वो शुरू किया। और आज की तारीख में हमारे पास वहाँ पर जैसलमेर के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इस बात की खुशी है कि हम यहाँ के लोगों को
कम पैसे में अच्छी चिकित्सा सुविधा दे रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। क्योंकि जैसलमेर में आज जैसलमेर ज़िले की 6 लाख की आबादी है, इस आबादी में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर चिकित्सा की सुविधाएं तो है, लेकिन कई बार लोगों को समस्या होती है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो उसी वजह से उसको देखते हुए हमने यहाँ पर अच्छी सुविधाओं के साथ जैसलमेर में हॉस्पिटल शुरू किया, जहाँ पर अत्याधुनिक जो है मशीनों के साथ हमने लैब लगाई है। पहले जो है यहाँ से जैसलमेर में जाँचें जो बाहर जाया करती थी, जिसकी रिपोर्ट आने में 24 घंटा लगता है, अब आज की तारीख में वही जाँचें जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट हम 1 घंटे में दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने जो भी मशीनें लगाई है, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो इकोकार्डियोग्राफी हो, चाहे वो सोनोग्राफी की मशीन हो, वो आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो अत्याधुनिक मशीनें हैं सारी सुविधाओं के साथ हमने लगाई है, जिससे कि डॉक्टर को इन्वेस्टिगेशन के लिए और रिपोर्ट देखने में बड़ी सुविधा होती है। उसके अलावा भविष्य में हम यहाँ पर सिटी स्कैन, MRI और एक ब्लड बैंक लगाने का प्लान कर रहे हैं। जैसलमेर ज़िले के अंदर सेल सेपरेटर नहीं है, जिससे डेंगू के केस में जब प्लेटलेट कम हो जाती है तो ब्लड के लिए वहाँ पर बाहर जोधपुर या बड़ी जगह पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम सेल सेपरेटर लगा के जैसलमेर की पब्लिक को ये सुविधा भी देंगे, जिसमें ब्लड के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जितनी सेवा की जाए, जितनी सुविधा दी जाए वो कम है, लेकिन जितनी मेरी और मेरे साथ जो लोग हैं, मैं इसमें सबके सहयोग से जो काम कर रहा हूँ, जितनी हमारा हिम्मत होगी हम उतना सहयोग करेंगे और उतनी सुविधा यहाँ पर देंगे। निश्चित रूप से आपने पर्यटन के बाद में चिकित्सा क्षेत्र में भी, जो जैसलमेर में चिकित्सा का क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, यहाँ की छोटी मोटी समस्या के लिए जो लोगों को जोधपुर जाना पड़ता था, तो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अब तक अपन ने पर्यटन और चिकित्सा के क्षेत्र में बात की। मयंक भाटिया एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं और खेल जगत से भी जुड़े हुए हैं। आप वर्तमान में हैंडबॉल संघ के जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व में बास्केटबॉल के अध्यक्ष रहे हुए हैं, आप क्रिकेट के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो खेलों का किस तरह से विकास हो और आप खेलों के माध्यम से किस तरह का युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, इस बारे में हमें बताएं। जब क्या समझ आई तब हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। चूँकि मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपने जैसलमेर की गली गली में क्रिकेट को पहुँचाया है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और खेलों से जोड़ने के लिए, मुझे जोड़ने के लिए सबसे पहला श्रेय तो मैं आपको देता हूँ, जिन्होंने हमें क्या है कि क्रिकेट के माध्यम से खेलों से जोड़ा। आप चूँकि क्या क्रिकेट को विकास विकसित करने के लिए जैसलमेर में आपका बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं सबसे पहला धन्यवाद तो आपको दूंगा जिन्होंने हमें खेल से जोड़ा। क्रिकेट से जुड़ने के बाद जब 2003 में मैं होटल आना शुरू हुआ, तो उसके बाद मैं रूपाराम जी से जुड़ा। चूँकि रूपाराम जी उस टाइम में हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष, बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने उस टाइम में बहुत बड़ी एक टूर्नामेंट यहाँ पर कराया था बास्केटबॉल का। उसके बाद से उन्होंने जैसलमेर में जिस तरीके से बास्केटबॉल को डेवलप किया, मुझे भी उन्होंने बास्केटबॉल से जोड़ा। मैं भी उस बास्केटबॉल खेल का हिस्सा बना जिन्होंने जैसलमेर की टीम को, जैसलमेर की टीम के माध्यम से आज बास्केटबॉल को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जैसलमेर की जो बास्केटबॉल अकेडमी की टीम है आज हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट टीमों में से शुमार आता है उसका। और उसके जो खिलाड़ी आज हिंदुस्तान की इंडिया की टीम से खेलते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो उस टाइम मैं बास्केटबॉल से जुड़ा। खेल से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि समाज के विकास के लिए सिर्फ एक व्यापार ही जरूरी नहीं है, सबसे पहले तो हमें खेल से जो बच्चे हैं उनका एक मानसिक विकास भी करना है। खेलों से सिर्फ शारीरिक विकास नहीं होता, खेलों से मानसिक विकास भी होता है। तो इस विकास के लिए कहीं ना कहीं खेल की सुविधाएं देना भी बहुत ज़रूरी है। और वो सुविधाएँ सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं मिलती है, एक आम जनता, एक आम आदमी होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम खेल को कहीं ना कहीं विकसित करें। हर इंसान अगर इस सोच के साथ आगे बढ़े तो हमें हर ज़िले में बहुत अच्छे खिलाड़ी मिलने लग जाएंगे। आज हम विदेश में देखते हैं ओलंपिक के जो खेल होते हैं उसमें हम देखेंगे तो भारत का नाम बहुत नीचे होता है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर और ज़िले के स्तर पर खेलों का विकास बहुत कम है। और बाकी अगर आप विदेश जाएंगे, मैं टीमों के साथ, मैं भारतीय हैंडबॉल टीम के साथ मैं विदेश गया हूँ और वहाँ मैंने जो स्टेडियम देखे हैं, वहाँ के स्टेडियम हमारे हिंदुस्तान में मेट्रो सिटी में भी नहीं होंगे। इस तरीके के वातानुकूलित स्टेडियम हैं वहाँ पर, खेलों के लिए जो संसाधन है वो अवेलेबल है। इससे वहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों का पहले दिन से जुड़ाव रहता है, बच्चे हमेशा खेलों में इंटरेस्टेड रहते हैं, बचपन से खेल खेलते रहते हैं। इससे ओलंपिक में हो चाहे कोई भी गेम्स हो, वहाँ पर उनकी मेडल लिस्ट में वो टॉप पर रहते हैं। तो
तो इसी सोच के साथ हमने सोचा कि जैसलमेर में हमें खेल को विकसित करना है, तो मैं बास्केटबॉल से जुड़ा, फिर मैं हैंडबॉल से भी जुड़ा। इसमें रूपा राम जी ने हमेशा मुझे खेलों से जोड़े रखने में पूरी मदद करी, क्योंकि उनका भी जुड़ाव खेलों से रहा है और उन्होंने भी अपनी टीम का एक सदस्य समझ के मुझे हमेशा खेलों से जोड़े रखा। और कहीं ना कहीं समाज के, जिले के, राज्य के और देश के विकास में खेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी सोच के साथ हमने खेलों को विकसित करने के लिए यहाँ पर खेल संघों से जुड़े और यहाँ पर हमने हैंडबॉल अकेडमी भी खुलवाई, यहाँ हमने बास्केटबॉल अकेडमी भी खुलवाई। क्रिकेट से आप जुड़े हुए हैं, हमारा प्रयास रहता है कि हर तरीके के खेल को मदद की जाए। आपने चिकित्सा हो चाहे पर्यटन हो चाहे खेलों का विकास हो, हर क्षेत्र में अपना पूरा योगदान देने का प्रयास किया है। चाय पे चर्चा पे हमने मयंक भाटिया से अब तक बात की, उन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब सटीकता से दिया, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया उसके बारे में भी हमें बताया। एक ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे चाय पे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज। जैसलमेर से जुड़ी सही, सटीक और निष्पक्ष खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार, चाय पे चर्चा पे एक बार फिर मयंक भाटिया के साथ। कम लोग ही जानते होंगे कि समाज सेवा क्षेत्र में वो कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। रोटरी क्लब के वे अध्यक्ष रहे हैं और संभाग के गवर्नर रहे हैं। इसके अलावा जैसलमेर में जब भी कोई धार्मिक आयोजन हो तो उस आयोजन का जिम्मा हमेशा मयंक भाटिया के पास रहता है, अग्रणी वही रहते हैं। चाहे किसी गरीब के बेटी के विवाह का मामला हो तो हमेशा आगे रहते हैं। मयंक भाटिया से हम इस संबंध में पूछेंगे। एक और बात बताना चाहूँगा कि कोविड जैसी महामारी जब जैसलमेर में आई, उस दौरान जब पूरा शहर बंद था और पुलिस 24 घंटे चौकस रह के जो व्यवस्था कर रही थी, उस दौरान अगर पुलिस कर्मियों का किसी ने ध्यान रखा तो प्रिया फाउंडेशन और मयंक भाटिया ने। उन्होंने 24 घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए चाय का, नाश्ते का और भोजन का प्रबंध किया। इसको लेकर पूरे शहर में उनकी बहुत ही तारीफ हुई थी। आपसे मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा कि समाज सेवा क्षेत्र में आपको आने का और इस तरह से आने का किस तरह सा जज्बा आप में आया है। 2003 में, जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया है कि 2003 में जब मैं व्यापार में आया, प्रिया होटल से कामकाज की शुरुआत करी मैंने, तो उसके साथ मुझे लगा कि भाई थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं समाज के लिए भी हमें करना चाहिए। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। चूँकि इस दुनिया में आए हैं तो हर इंसान की अपनी एक ज़रूरत रहती है और इंसान ही इंसान के काम आता है। इसी सोच के साथ हमने ये सोचा कि भी इंसान कैसे इंसान की मदद करे, कैसे उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं 2007 में मैं रोटरी क्लब से जुड़ा। रोटरी क्लब एक सेवा का ऐसा माध्यम है जो कुछ लोगों का समूह होता है समाज में, और वो मिल के समाज में जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों की समस्याओं को दूर करता है। चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो चिकित्सा से जुड़ा हो, चाहे वो आधारभूत सुविधाओं से जुड़ा हो। 2007 में जुड़ने के बाद मैंने देखा कि भाई समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसी कई सारे काम हैं जिसको निरंतर करना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हम साल, दो साल या पाँच साल तक जुड़ के उस समस्या को दूर कर सकें। जैसा कि रोटरी क्लब में मेरे जितने भी साथी गण हैं, आज हमारा रोटरी क्लब का बहुत बड़ा परिवार है और उसमें उन लोगों ने हर वक्त, हर समय, जैसा भी लोग आए, जैसे भी जिन्होंने भी जो अपनी समस्या बताई उसको दूर करने के लिए हमेशा मेरा कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। हमेशा उन्होंने कभी ये नहीं सोचा है कि हमें किसी भी तरीके से उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। रोटरी में जुड़ने के बाद मैंने ये सीखा कि भाई आप कैसे किसी इंसान के काम आ सकते हो। मतलब उसमें रोटरी की जो टैगलाइन है उसमें ये कहा जाता है कि सर्विस अबव सेल्फ, मतलब आपको खुद से उठकर दूसरे के लिए काम करना है। आपको दूसरे के लिए करने से पहले अपने बारे में नहीं सोचना है। अगर दूसरे किसी इंसान को समस्या है और आप वो करने में सक्षम हो तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, बिना सोचे समझे आपको उसकी मदद करनी है।
रोटरी में हमने बहुत सारे एजुकेशन के कैंप लगाए, हमने एक ब्लाइंड हॉस्टल खोला जिसमें जिले के जो भी ब्लाइंड बच्चे थे या वो बच्चे जिनको कम दिखाई देता है उन बच्चों को चिन्हित करके श्योर संस्था के साथ हमने एक ब्लाइंड स्कूल खोला, ब्लाइंड हॉस्टल खोला। उसमें हमने वहाँ पर उन बच्चों को 3 साल तक रखा, उनको वहाँ पर अमर सागर स्कूल में एडमिशन कराया, उनको पढ़ाया लिखाया, और आज वो बच्चे गाँव में कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सक्षम हो गए। तो उनको देख के बहुत खुशी मिलती है कि ऐसे लोग जिनकी घर से बाहर नहीं निकलते थे, उन लोगों को हमने घर से बाहर निकाला, उन लोगों को हमने दुनियादारी सीखने और समझने के लिए खड़ा किया, अपने पैरों के ऊपर चलने के लिए हमने उनका सहयोग किया। जब उन लोगों को देखते हैं, जब उन बच्चों को देखते हैं, तो अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कि हाँ, हमने कुछ ऐसे लोगों को सहयोग करी है जो लाचार थे, जो कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और हमने उनको मदद करी। उसके साथ साथ हमने चिकित्सा के क्षेत्र में कई सारे कैंप लगाए। पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हॉस्पिटल लगाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली है रोटरी क्लब से, क्योंकि मैंने रोटरी क्लब के माध्यम से कई सारे हॉस्पिटल के यहाँ पर कैंप लगाए। डीसा में जो डॉक्टर है उनको यहाँ पर बुलाया है, मेदांता के साथ हमने कैंप लगाए हैं, जोधपुर से कई हॉस्पिटल्स को बुला के यहाँ कैंप लगाए हैं, जनसेवा समिति के साथ हमने यहाँ पर कैंप लगाए हैं, और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो चिकित्सा से जुड़े हैं उसमें हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। तो रोटरी के माध्यम से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे यहाँ पर एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए चिकित्सा के क्षेत्र में, तभी मैंने इस हॉस्पिटल का प्लान किया और हॉस्पिटल को खोलने के बारे में सोचा, ताकि हम निरंतर रूप से यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में जैसलमेर के लोगों की, जैसलमेर के आम जन की मदद कर सकें, क्योंकि जैसलमेर में सबसे बड़ी कमी है चिकित्सा। आज की तारीख में अगर कोई भी पेशेंट है, उसको बाहर जाना है तो उसके लिए एम्बुलेंस की उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, उसको यहाँ पर अगर ब्लड की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक मिसाल अपने आप में एक मिसाल कायम करेगी। हम यहाँ पर जो एम्बुलेंस की सुविधा है वो इस तरीके से देंगे कि आपको जैसी एम्बुलेंस चाहिए वो एम्बुलेंस की सुविधा आपको हमारे यहाँ से मिलेगी। ये नहीं है कि आप अगर प्रिया हॉस्पिटल में ही एडमिट है तो आपको मिलेगी, आप जैसलमेर में किसी भी अस्पताल में एडमिट है तो वो सुविधा हम आपको देंगे। वो कुछ ही दिनों में हम उस सुविधा को शुरू करेंगे। उसके अलावा ब्लड बैंक की सुविधा देंगे, जिसमें पूरे जैसलमेर ज़िले में जिसको भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी हम उसको ब्लड मुहैया कराएंगे। रोटरी क्लब के माध्यम से हम कई सारी और भी संस्थाओं के साथ मिलकर हमने यहाँ समाज के लिए काम किया। हमने यहाँ पर राजस्थान में जितने भी रोटेरियन हैं उनका एक यहाँ पर आयोजन किया, ताकि वो यहाँ पर आए, यहाँ जैसलमेर की विपरीत परिस्थितियों को समझें और यहाँ पर लोगों की मदद करें। तो समाज सेवा के क्षेत्र में हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि यहाँ पर हम जितना हो सके अपनी हर संभव कोशिश करें। 2020 में कोविड की बीमारी के दौरान हमने यहाँ पर जैसे 22 मार्च से जब पहली बार लॉकडाउन शुरू हुआ था, 22 मार्च को तो स्वघोषित लॉकडाउन था, 24 मार्च से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा जब करी थी, तो पुलिस जाब्ते के लिए खाने की व्यवस्था, दिन में दोनों वक्त खाने की व्यवस्था, उसके अलावा यहाँ पर जो गरीब मजदूर बंधु थे, जो गरीब लोग थे, उन लोगों के लिए रोज़ 1000 पैकेट देकर हमने उन लोगों के लिए खाना मुहैया कराया। इस सब में मुझे जो है प्रिया फाउंडेशन है, रोटरी क्लब है, और भी हमारे साथ जो लोग हैं उन लोगों ने भरपूर सहयोग किया। आपके समाज सेवा के क्षेत्र में खेल के, चिकित्सा, पर्यटन के, मगर आज का दौर अगर देखें तो ये सारे रास्ते आखिर में जाके राजनीति की तरफ जाते हैं। तो ये जो प्रसिद्धि मिली, जिस तरह से आपकी पहचान बनी, तो राजनीतिक क्षेत्र में जाने का आपका कहीं मानस है कि राजनीतिक क्षेत्र में जाऊं और मैं जनता की उस माध्यम से सेवा करूं? जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहां पर हम जो भी काम करते हैं और अच्छा काम होता है तो उसके लिए प्रसिद्धि मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी समाज सेवा के माध्यम से, पर्यटन व्यवसाय के माध्यम से, चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से, चाहे खेल के माध्यम से जो भी काम मैंने या प्रिया फाउंडेशन ने किया है, उसमें सिर्फ एक ही महत्वाकांक्षा रही है कि हमें जरूरतमंद की मदद करनी है। राजनीति में जाना और नहीं जाना, ये फैसला मेरी किस्मत में, मैंने जो सोचा है मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बाकी तो वो किस्मत की बात है कि कब कौन कहाँ चला जाता है, उसके लिए कोई सोच समझ के कोई फैसला नहीं लेता। लेकिन इसमें एक व्यवसायी होने के नाते मैं मेरा ध्यान जो है वो समाज की तरफ रखता हूँ, मेरे व्यापार की तरफ रखता हूँ, और जो भी मेरे साथ लोग हैं उनकी तरफ रखता हूँ। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। आपको कभी लगा इस दौर में, जो आपका 20 साल का लंबा सफर रहा इस क्षेत्र में,
तो उस मैं आपको कहीं लगा कि राजनीतिक कारणों से मेरा काम नहीं हो पा रहा है और इस कारण से मुझे राजनीति में आना चाहिए, ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि राजनीतिक कारणों से मुझे राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके पास लोगों का प्यार होना चाहिए, लोगों का सहयोग होना चाहिए, जो कि मेरे को जैसलमेर की जनता ने बहुत प्यार दिया है और वो हमेशा देती आई है। राजनीति में आने का अपना एक खुद का डिसीजन होता है, खुद का फैसला होता है, तो इसलिए मुझे कभी काम की वजह से ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। अब आपको एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से आपका अनुभव है, उस तरह से जैसलमेर में जो जिस क्षेत्र में आपने काम किया, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में काम किया, चाहे पर्यटन क्षेत्र में काम किया, उनमें ऐसी कई बाधाएं हैं जो पर्यटकों को परेशान करती है या मेडिकल क्षेत्र में लोगों को परेशान करती है? अगर बात करें पर्यटन की, तो जिस तरह से नासूर बने हुए हैं लपके, वही व्यवस्था चिकित्सा क्षेत्र में हो गई है, इसमें भी लपकागिरी शुरू हो गई है, इसमें भी व्यवसायीकरण एक तरह से हो गया है, तो इस संबंध में आप क्या क्या कहना है? हर चीज़ को सबसे पहले तो साफ सुथरा करने के लिए खुद को उसके अंदर कूदना पड़ता है, चाहे वो पर्यटन व्यवसाय हो चाहे वो चिकित्सा व्यवसाय हो। इसमें जो भी गंदगी है उसको साफ करने के लिए सबसे पहले खुद को आगे आना होगा। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, लेकिन जनता में हर तरह के लोग होते हैं और वो कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक होते हैं, कहीं कोई नकारात्मक भी होता है। तो किसी भी चीज़ को साफ करने के लिए हमें सबसे पहले प्रशासन के साथ मिल के जो भी समस्याएँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई, चाहे वो पर्यटन की लपकागिरी हो और चाहे वो चिकित्सा में लपकागिरी हो, उससे नुकसान जो है वो आम जनता का होता है। पर्यटन में लपकागिरी से जैसलमेर की छवि खराब होती है और चिकित्सा में लपकागिरी से कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान होता है और वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जैसलमेर की जनता से मेरी ये अपील रहेगी कि किसी भी तरीके की लपकागिरी में सहयोग ना करें, चाहे वो पर्यटन से जुड़ी हुई हो चाहे वो चिकित्सा से जुड़ी हुई हो। हर व्यवसाय को जितना हम साफ सुथरा रखेंगे उतनी उसमें सुधार की गुंजाइश है और उतनी उसमें विकास की भी गुंजाइश है। तो लपकागिरी को तो हम अपने स्तर पे ही ख़त्म कर सकते हैं। अगर जैसलमेर की जनता चाहे और एक प्रण ले ले तो जैसलमेर की लपकागिरी हो चाहे वो किसी भी व्यवसाय में वो ख़त्म हो सकती है। आपका इतना लंबा अनुभव है, आपको जिस तरह का पर्यटन और चिकित्सा क्षेत्र का अनुभव है, जैसलमेर जिले का, जैसलमेर नगर का एक खाका खींचना हो कि मैं अगर इसमें मेरे पास कोई अधिकार हो या मैं किसी कर पाऊं, तो आप क्या करना चाहेंगे कि किस तरह से जैसलमेर का विकास हो, किस तरह से जिले का विकास हो, किस तरह से पर्यटन का विकास हो? जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहां पर जो इंसान आता है ना, वो यहां पर आके अपने आप को बसा लेता है। जैसलमेर इतनी एक आकर्षित जगह है जिसमें यहाँ पर आने के बाद किसी का भी जाने का मन नहीं होता। इस जगह को हम सुधार के इतना ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं जिससे जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं चाहे यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो अपने को यहाँ आकर इतना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसलमेर की जो हर गली है वो अपने आप में एक म्यूज़ियम है। जैसलमेर की जो हवा है, जैसलमेर का जो पानी है, वो दुनिया में सबसे शुद्ध हवा में से एक है और लोग यहाँ पर आते हैं और आने के बाद अपने आप को बहुत ही सुकून महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमें जितने भी दिन यहाँ रहने का मौका मिला वो कम है। सुधार के लिए जैसलमेर में, जैसे जैसलमेर का जो पुराना शहर है, मेरी अपील रहेगी सारे जैसलमेर की जनता से, चाहे जैसलमेर के प्रशासन से, चाहे नगर परिषद से, चाहे नगर विकास न्यास से, कि जैसलमेर की जो धरोहर है और जैसलमेर का जो हेरिटेज है, जैसलमेर का जो कल्चर है, उसको मेंटेन रखें। जैसलमेर की जो शैली है वो शैली अपने आप में एक इतनी आकर्षित शैली है कि लोग उसको देख के ही जिसको कहते हैं खुशी महसूस होती है। तो सबसे पहले तो हमें जैसलमेर की जो गलियां हैं, जैसलमेर जो पुराना शहर है, उसके हेरिटेज को मेंटेन करना चाहिए, उसकी शैली को मेंटेन करना चाहिए। उसके अलावा जैसलमेर जो आज से 25 साल पहले, आज से 30 साल पहले जितना साफ़ सुथरा था, आज उसको किस तरीके से साफ़ सुथरा रखा जाए, जो भी समस्या है उस समस्या को मिलजुल कर कैसे सुलझाया जाए। जैसलमेर कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक छोटा सा शहर है और अगर हम चाहें तो उसको बहुत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। पुराने शहर के अंदर पार्किंग की समस्या नहीं है, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, उसकी पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। पुराने शहर में सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है। तो इन सब समस्याओं को
अपने स्तर पे दूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चाय पे चर्चा पे हम मयंक भाटिया से बात करें, उन्होंने अब तक हमारे सारे सवालों के जवाब बुद्धिमानी से दिए और हर क्षेत्र में अपने अनुभव के अनुसार किस तरह से विकास हो, किस तरह से उसमें जो कमियां हैं उसको दूर की जाए, किस तरह से जैसलमेर का एक पर्यटन के क्षेत्र में नाम है उसको कायम रखा जाए। आप हमारे बीच आए आज, आप डेजर्ट स्टॉर्म पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। चाय पे चर्चा पे बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, आपने चाय पर चर्चा के लिए बुलाया और मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आके डेजर्ट स्टॉर्म के मंच पर बैठ के जैसलमेर के बारे में, अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में, जैसलमेर की समस्याओं के बारे में बोलूँ। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जैसलमेर जैसी जगह में एक डेजर्ट स्टॉर्म समाचार पत्र और डिजिटल न्यूज़ चैनल शुरू किया है। इससे जैसलमेर की जनता को और जैसलमेर के समस्याओं को उठाने का, एक जैसलमेर की आवाज़ को आगे प्रशासन तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं जैसलमेर की जनता का और जैसलमेर का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।